9 से स्टार्ट किया है खेलने के लिए, भाई अटक पड़े हैं भाई, पता नहीं भाई क्या बोलूं मैं, गाली दे दूंगी मैं। क्या से क्या, ओ हटा दिया लाइक एंड डिसलाइक, कर दिया कमेंट्स डन ऑफ, तो चलिए शुरू कर दें। एक समय था जब हमें ये वीडियो पे नेपाल की ऑडियंस ने बहुत बुरी तरीके से था। माचिकने ऐसे कुछ कमेंट्स आए थे। पहले तो हमें लगा था कि लोग तारीफ कर रहे हैं नेपाल की लैंग्वेज में, बट देन एक फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी हैं। तो बहुत बुरी तरीके से थे हम। तब पता चल गया था कि भाई पावरफुल है नेपाल की ऑडियंस। अब कुछ दिन पहले हम यूट्यूब पे सर्व कर रहे थे, तब हमें एक दीदी का वीडियो मिला जहाँ पे दीदी नेपाली लैंग्वेज में नेपाल की ऑडियंस को कुछ बोल रही थी। अब ये मैम के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 4 मिलियन कुछ होता है, दीदी इतनी तो बुद्धि रख लो कि कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है। तुम्हें देखने वाले 100-200 लोग नहीं है, लाखों में है। ये मैम लाइव स्ट्रीम में बहुत स्टड बन रही थी, जिसके बाद परिणाम इन्हें पता ही चल रहा होगा। और एक बात इसकी हमें बहुत बुरी लगी, तो इसने कुछ ऐसा बोला था कि ये लोग भाई कहाँ के प्रो प्लेयर है, जाके जीत के आ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं भाई। फैक्ट बोला दीदी ने, जब नेपाल के प्लेयर्स को चांस ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, और ये जितने हारने की बात भी कौन कर रहा है जिसे खुद को खेलने नहीं आता। अब देखो भाई, मैं नुबड़ा हूँ, मैं ये चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं सभी को नुबड़ा बोलूंगा। और ये बहुत बेकार पार्शियलिटी हो रहा है कि सभी को प्लेटफॉर्म मिला है सिवाय नेपाल को छोड़ के। और दीदी का कुछ ऐसा भी कहना था कि हम कुछ नहीं कर पाए तो तुम लोग क्या कर लोगे। देख, तेरी टीम कुछ नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टीम्स भी कुछ नहीं कर पाएगी। और सच्ची में बाकी टीम्स कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि भैया उन्हें चांस ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से कुछ करेंगे। और तुम्हें इसके भड़कने का मेन रीजन पता है, चाहती है कि सिर्फ टीम लावा ही नेपाल की तरफ से बरकरार रहे, बाकी टीम ना आए, क्योंकि अगर बाकी टीम्स आएंगी तो इसकी टीम सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगी। इसलिए तो दीदी बोल रही थी कि अरे मैं गाली दे दूंगी। देख, अगर गाली देने से कुछ होता ना तो आज के टाइम में फ्री फायर में कोई स्कैम्स देखने को नहीं मिलता। अब कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये 3 सीरीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंट्रीज को लिया जाएगा, और ऐसे ही हुआ, 3 ही कंट्रीज को लिया गया, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब गरिना ने इंडिया के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट, बांग्लादेश के लिए हैशटैग खेलो बांग्लादेश लाया, नेपाल के लिए भी तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स लाना स्टार्ट कर दो। और ये चीज हो सकती है जब ऐसे क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस की सुने तो। जब तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें सुनती है ना तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है उन लोगों की बातें सुनने का। और नेपाल की ऑडियंस से भी हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा भी हक तुम्हें मिले, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे लिए भी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स हो, तो ये बात को थमने मत देना भाई जब तक तुम्हें तुम्हारा हक ना मिले। और अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है ना कि ये क्रिएटर के चैनल पे स्पैमिंग करके हम जीत जाएंगे, हमारे लिए भी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होंगे, तो ऐसा घंटा नहीं होने वाला। स्पैमिंग करो बट सही जगह पे करो, क्योंकि ये तुम्हारा कुछ नहीं करने वाली है। गरिना के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाके स्पैम करो, गरिना के ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पे जाके स्पैम करो भाई। और अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हो ना कि इसको डिसलाइक देने से और कमेंट करने से बहुत बड़ा चेंज आएगा, हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, तो ऐसा घंटा नहीं होने वाला है। इसे भी अच्छे से पता है कि ये 2 दिन का हेट है, उसके बाद भैया सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी और सब भूल जाएंगे, जो कि डेफिनेटली होने वाला है। और ये सुनीता क्या बोल रही थी अपने स्ट्रीम पे ना, वो उसे खुद को भी नहीं पता है, जो मन में आ रहा था वो बक रही। अब नेपाल के प्लेयर्स भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी कंट्री का भी नाम हो, बट ये सब होने से रहा, क्योंकि जब नेपाल की ही क्रिएटर नेपाल के प्लेयर्स को ऐसा बोलेगी तो इनसे इन फ्यूचर में तुम ज्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। अब हम तुम लोगों को एक सिंपल सा फैक्ट बताते हैं, दीदी यूट्यूब से अर्न कर रही है, भूया और पार्टनर प्रोग्राम से अर्न कर रही है, तो दीदी का कुछ ऐसा सोचना है कि जब मेरा यहाँ पे सब सेट है तो मैं ये सब चीजों में क्यों पढूं फालतू में, तो ऐसा कुछ सुनीता मैम की मेंटालिटी है। अब सुनीता तू नेपाल की क्रिएटर है तो नेपाल के प्लेयर्स ही तेरे पास आएंगे ना अपनी दिक्कतें बताने, एंड उनकी दिक्कतें तुझे इरिटेट कर रही है इसलिए तूने स्ट्रीम पे कुछ वैसा बोला। एंड इसका कुछ ऐसा भी कहना था कि देश में क्या हो रहा है इसकी किसी को पड़ी नहीं है। बहन, अगर ऐसी बात है तो तुम वीडियोस क्यों अपलोड कर रही हो, वीडियोस ही अपलोड करना बंद कर दो, क्योंकि देश में तो बहुत कुछ हो रहा है यार। अगर कुछ बोलते हो ना तो कुछ भी हवे में मत बोल दिया करो। एंड हमने कभी सोचा नहीं था कि हम सुनीता पे वीडियो डालेंगे, एंड फाइनली आज डालना पड़ रहा है। एंड इतना मैं बोल सकता हूँ कि अगर इन फ्यूचर नेपाल के प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिले तब हमें नेपाल से बहुत ओपी लेवल के प्लेयर्स एंड टीम्स देखने को मिलेंगी। एंड हम यही होप करेंगे कि गरिना ने इस बार कुछ नहीं किया, बट आने वाले टाइम में तो यार कोई तो ऑफिशियल टूर्नामेंट रखो नेपाल के लिए। और ये फ्री फायर इंडिया के पास इंस्टाग्राम पे मीम डालने का टाइम है, बट प्लेयर्स की परेशानी एंड सजेशंस जानने का टाइम नहीं है। एंड जो भी